नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका वही चिर परिचित दोस्त पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के लिए एक और नई रेसिपी लेकर के। दोस्तों, चॉकलेट केक, जी हाँ, चॉकलेट का नाम आते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है दोस्तों। तो आइए आज के दिन को रंगीन बनाते हैं और चॉकलेट केक कुकर में बनाने की विधि जानते हैं। अमूमन केक ओवन में ही बनाया जाता है, लेकिन जब आपको लाइट ही नहीं मिले तो क्या करें। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कब चली जाए कोई भरोसा नहीं होता है दोस्तों। इसके लिए केक को प्रेशर कुकर में बनाने का जुगाड़ काम में आता है। अगर केक बनाने के बीच में ही लाइट चली जाए तो अच्छा भला केक खराब हो जाता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी न हो तो केक कुकर में बनाइए, कुकर में भी केक अच्छा बन जाता है। आइए आज हम प्रेशर कुकर में चॉकलेट बनाने की विधि जानते हैं दोस्तों। आवश्यक सामग्री, सबसे पहले कलम कापी लीजिए और नोट करते जाइए। जी हाँ, अगर कोई भी हमारी रेसिपी को आप सुनते हैं तो सबसे पहला काम कीजिए कलम और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, ताकि जो सामग्री आपके पास न हो बाजार से ला पाएँ, यानी कि लिस्ट बना पाएँ आपके, हाँ ये हमारे पास है ये नहीं है। तो स्टार्ट हो जाइए। पहला, मैदा 250 ग्राम, घी या मक्खन 100 ग्राम, पीसी चीनी 100 ग्राम, कैंडस्ट मिल्क 200 ग्राम, कोको पाउडर 50 ग्राम, दूध 200 ग्राम, बेकिंग पाउडर 1 छोटी चम्मच, बेकिंग सोडा 1/2 छोटी चम्मच, नमक 1/4 छोटी चम्मच। पुनः एक बार हम वापस आपको दोहरा देते हैं दोस्तों। मैदा 250 ग्राम, घी या मक्खन 100 ग्राम, पीसी चीनी 100 ग्राम, कंडेंस्ड मिल्क 200 ग्राम, कोको पाउडर 50 ग्राम, दूध 200 ग्राम, बेकिंग सोडा 1/2 छोटी चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 छोटी चम्मच एवं नमक 1/4 छोटी चम्मच, या फिर आपके स्वाद के अकॉर्डिंग दोस्तों। विधि, आइए अब जानते हैं इसे बनाने की विधि के बारे में। केक में प्रयोग होने वाली सारी सामग्री निकाल कर मेज पर रख लीजिए। केक बनाने के लिए बर्तन को ग्रीज कर लीजिए। केक बनाने वाले बर्तन के चारों तरफ थोड़ा सा घी या मक्खन लगाकर चिकना कीजिए। एक छोटी चम्मच मैदा लीजिए और इस घी लगे बर्तन में डालिए तथा बर्तन को बाहरी तरफ से पकड़कर इस तरह से घुमाइए कि मैदा की पतली परत बर्तन के अंदर सारी जगह लग जाए। अतिरिक्त मैदा को बर्तन से निकाल दीजिए। केक के लिए ली गई मैदा में नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और कोको पाउडर मिलाकर 2 बार छान लीजिए। किसी बड़े बर्तन में घी और चीनी को मिलाकर चम्मच से अच्छी तरह फेंटिए। जी हाँ, कंडेंस्ड मिल्क डालकर अच्छी तरह मिलने तक खूब फेंटिए। इस मिश्रण में छनी हुई मैदा थोड़ी थोड़ी डालकर फेंटते जाइए। सारी मैदा डालने के बाद 2-3 मिनट तक मैदा फेंटिए। पेस्ट में गुठलियाँ नहीं रहने दीजिए, क्योंकि गुठलियाँ रहेंगी तो अच्छा नहीं बन पाएगा दोस्तों। इस पेस्ट में दूध को थोड़ा थोड़ा डालकर फेंटिए। केक के लिए पकौड़े बनाने के लिए जैसा कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट तैयार कीजिए। केक के लिए पेस्ट तैयार है। अब आप इसमें अखरोट, बादाम या काजू, कोई भी मेवा काटकर मिला सकते हैं। कुकर में केक बनाने के लिए केक कंटेनर का तला कुकर के तले से नहीं लगना चाहिए, यानी कि कुकर में केक बनाने के लिए केक कंटेनर का तला कुकर के तले से नहीं लगना चाहिए, नहीं तो केक नीचे से जल सकता है दोस्तों। इसके लिए कुकर के अंदर तले में एक कटोरी नमक फैला देते हैं, जिससे केक कंटेनर का तला कुकर के तले से नहीं चिपकता है और नमक गर्म होकर तापमान भी बनाए रखता है। यानी कि आपको कुकर में पहले नमक डाल लेना चाहिए 1 कटोरी और उसे फैला दीजिए, उसके ऊपर केक का। कुकर के अंदर 1 कटोरी नमक डालने के बाद इसे तेज आग पर 2 मिनट के लिए रख दीजिए और कुकर के ढक्कन को इसके ऊपर रख दीजिए। 2-3 मिनट में कुकर केक बनाने के लिए पर्याप्त गर्म हो जाएगा। ग्रीज किया हुआ केक कंटेनर ले लीजिए। बर्तन में थोड़ा घी डालकर चिकना कर लीजिए और थोड़ी सी मैदा डालकर बर्तन को इस तरह हिलाइए
कि उसके ऊपर पतली सी मैदा की परत बन जाए। बर्तन में केक मिश्रण डालकर उसे खटखटा कर लीजिए। मिश्रण को एक जैसा फैला दीजिए। इस बर्तन को पहले से गर्म किए हुए कुकर में रखिए। कुकर के ऊपर ढक्कन लगाकर बंद कर दीजिए, लेकिन ढक्कन पर सीटी मत लगाइए। केक को बिल्कुल धीमी आग पर 40 से 50 मिनट तक पकाइए। 40 मिनट के बाद केक को चेक कर लीजिए। केक के अंदर चाकू डालने से मिश्रण चाकू पर लगकर आ रहा है, तब केक को और पकाइए। 50 मिनट में केक बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपका चाकू डालते हैं केक में, अगर केक में चिपक करके केक आ जाता है चाकू में, तो समझिए कि अभी नहीं पका है। अगर चाकू में कुछ भी नहीं लगता है, वापस आ जाता है एज इट इज, तो समझिए केक बन करके तैयार है। दोस्तों, कुकर खोलिए, केक को आप देख सकते हैं कि केक पक गया है। चाहे तो टेस्ट भी कर लीजिए, केक में चाकू गड़ा कर देखिए। यदि चाकू से केक नहीं चिपकता, तब आपका केक बन गया है, जैसा कि हमने बताया आपको। कुकर को केक कंटेनर सहित अच्छी तरह ठंडा होने दीजिए। केक को ठंडा होने दीजिए। केक के किनारों से चाकू घुमाकर केक को बर्तन के किनारों से अलग कर लीजिए। अब हल्के से ठोककर केक को प्लेट में निकाल लीजिए। कुकर में बना हुआ चॉकलेट केक तैयार है। केक को अपने मनपसंद साइज और आकार में काट लीजिए। दोस्तों, इस प्रकार से आपका स्वादिष्ट केक बनकर तैयार है। दोस्तों, अब केक को बनाने में कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं आपको, दोस्तों उसे सुन लीजिए। केक का घोल ज़्यादा गाढ़ा और ज़्यादा पतला ना हो। घोल को पकोड़े के घोल जैसा रखा जाता है। केक को घोल बनने के बाद तुरंत आग पर रखें। घोल को देर तक रखने के बाद गर्म करने के लिए रखेंगे, तब केक अच्छा नहीं फूलेगा। दोस्तों, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर को हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रखें, नहीं तो वे खराब हो जाते हैं और उनके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिलते हैं। दोस्तों, इन सावधानियों का ख्याल रख करके आप मज़ेदार केक बना सकते हैं दोस्तों, और खाइए। अगर कभी मौका मिले तो हमें भी खिलाइए। अगली बार हम आप सभी से मिलेंगे एक और नई रेसिपी लेकर के। तब तक आप इंजॉय कीजिए अपने केक को। धन्यवाद।